हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा है अच्छे होंगे। इस समय हो रहा है मेरा गला ख़राब। ठंड का मौसम है तो गले का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। गला ख़राब हो रहा है। आप लोग भी सर्दी से बच कर रहिए, ठंड से बच कर रहिए। ये देखिए कमरे की क्या हालत हो रही है। आज मेरे पोते का था बर्थडे, तो हम लोग बाहर गए हुए थे, अभी आए हैं। अब कमरे में गुब्बारे, बलून, कागज़ फूटे पड़े हैं, वही मैं सबसे पहले बटोर रही हूँ। वो लोग अभी और कहीं गए हैं, तब तक मैंने सोचा मैं अपना कमरा साफ़ कर लूँ। कपड़े उपड़े सब ऐसे फैले पड़े हैं, मैं निकला आवाज़ सफाई करूँ। तो मैं सफाई करने लगी हूँ ये। उसके बाद मैं किचन को थोड़ा साफ़ करूँगी। किचन भी सामने दिखाई दे रहा है, काफ़ी फैला हुआ है। थोड़ा सही करूँगी मैं, जब तक बच्चे हैं उससे पहले मैं कमरे को सही कर दूँगी। और उसकी बर्थडे की वीडियो मैंने कोई ख़ास तो बनाई नहीं है, इसलिए मैं दिखा नहीं रही। वैसे मैं आगे वीडियो में दिखा दूँगी कैसे उसकी बर्थडे की थी। शादी की वजह से सब लोग थके हुए हैं, तो किसी की रुचि नहीं और पार्टी वगैरह करने में। तो बस हल्का फुल्का बर्थडे कर लिया था हमने। थकावट अभी निकल नहीं रही है, तो यहाँ मैंने कर दी है सफाई। अब मैं करूँगी अपने किचन में थोड़ी देर काम, फिर बनाऊँगी गर्मा गर्म चाय और वो पीऊँगी। चाय मुझे बहुत पसंद है, आप लोगों को अच्छी लगती है या नहीं? अदरक की चाय। अब थोड़ा सा सोफ़ा जो है ना, इसे हम आगे सरका लेते हैं, तो अभी पीछे है ये। इस पे सामान बिखरा हुआ है, इसको सही कर रही हूँ। बच्चे बहुत काम बढ़ा देते हैं। मनु जो है सारे कमरे में इधर से उधर सारा सामान फैला देता है। अलमारियों में से कपड़े निकाल लेता है, किचन की रसोई में से बर्तन निकाल लेता है, रेलगाड़ी बना लेता है उनकी, ट्रेन 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 बोलता है, ट्रेन बना लेता है। कैमरा जो है बार बार टेढ़ा हो जा रहा है। ट्राईपोड का पेच निकल गया है, तो ये बार बार टेढ़ा हो जाता है, इसको सीधा करो। तो ये मैंने सोफ़े को सही किया, बैठने के लिए तैयार कर दिया है। ये कंघा रख दिया मैंने ऊपर। कमरा सुनसान है, अभी बच्चे हैं नहीं घर में, इस वजह से। तो आजकल रेसिपी वगैरह कोई ख़ास नहीं बन रही है, इसलिए शेयर नहीं कर रही हूँ। बस अभी तो हम शादी की थकान उतार रहे हैं। शादी की भी बहुत सी रस्में ऐसी हैं जो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई, वो मैं धीरे धीरे दिखाऊंगी। अभी तो मैं आपको एक माता का भजन इसमें डाल रही हूँ, वो देख लीजिएगा आप लोग। तो गीत भी होते हैं, फिर मंदिर जाते हैं ना वहाँ पूजा करने, हल्दी पूजने जाते, तेल पूजने जाते तो जाते हैं। तब हमने मैंने एक भजन रिकॉर्ड किया था, वो मैं आप लोगों को सुनवाऊंगी। और यहाँ मैं अपना काम निपटा रही हूँ। बार बार ये टेढ़ा हो जाता तो इसको सीधा करने आना पड़ता मुझे। मैं जा रही हूँ किचन में, ये सामने ही किचन है मेरा, कमरे के अंदर, कमरे से ही अटैच है। किचन साफ़ करके फिर मुझे बाहर से लाने हैं कपड़े उतार के। बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं ऊपर, वो लेकर आने हैं। कपड़े थोड़े सीले हुए हैं, ये मैं ले आई हूँ। अब सोच रही हूँ इन्हें कहाँ डालूँ। आज मैंने कृष्ण भगवान की, लड्डू गोपाल की, देवी माता की कई ड्रेसें बनाई थी दिन में। तो कैसे बनाई हैं वो मैं आप लोगों को फिर कभी दिखाऊंगी। अभी देखिए मैंने कौन कौन सी ड्रेसें बनाई हैं, वो मैं आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ। कपड़ों को तय कर रही हूँ इस समय, तो बस सोच रही हूँ पहले आपको ड्रेस दिखा दूँ। चलिए दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बनाई है ड्रेस है, ये देवी माता की है। लहंगा चोली चुन्नी अभी बना रही हूँ, अभी बनाई नहीं थी। और ये भगवान की हैट और उनके लड्डू गोपाल की फ्रॉक, वो बनाई है ये मैंने। दो ड्रेस है ये हैं, और एक ड्रेस देवी माता की है, उनका ब्लाउज और उनका लहंगा बनाया है। ये बनाई है, ये बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसी लगी मेरी ड्रेस बताइएगा। और ड्रेस बनाने के बाद मैं आपको सुनाती हूँ एक
भजन माता रानी का, वो सुनिएगा आप लोग। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।